हेलो दोस्तों, किचन किंग स्पेशल डिश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ कच्चे पपीते का हलवे की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और खाने में भी ये बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। तो यहाँ मैंने एक कच्चा पपीता लिया है, जिसे मैंने अच्छे से धो कर के साफ कर लिया है। अब हम इसके छिलके को एक पील की सहायता से छिल कर के हटा लेते हैं। तो ये देखिए, इस तरह से मैंने इसके सारे छिलके छील करके निकाल लिए हैं। तो अब इसे हम काट लेंगे। और इसके अंदर के सारे बीज को हम हटा लेंगे। चाकू की नोक से इस तरह से हम खुरचेंगे तो इसके सारे बीज जो है निकल जाएंगे। बीज निकालने के बाद मैंने पपीते को इस तरह से काट लिया है। अब इन्हें हम कद्दूकस कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर बारीक वाली कद्दूकस का इस्तेमाल किया है, ताकि पपीते की लच्छे जो है बारीक निकले, जिससे कि पपीता को पकाते समय हमें आसानी होगी, ये बहुत ही जल्दी पक जाएगी। तो इस तरह से हम सारे पपीते को कद्दूकस कर लेंगे। तो ये देखिए, मैंने सारे पपीते को इस तरह से कद्दूकस कर लिया है। ये देखिए, मैंने सारे पपीते को इस तरह से कद्दूकस कर लिया है। तो चलिए अब इसका हम हलवा बनाएंगे। सबसे पहले हम गैस में एक पैन रखेंगे। अब इसमें हम कद्दूकस किए हुए पपीते को डाल देते हैं और इसे बिना पानी, बिना तेल, घी के ढक करके पकाएंगे। और इसे हम तब तक पकाएंगे जब तक कि अच्छे से सॉफ्ट ना हो जाए। गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो रखेंगे, ताकि पपीता जले ना। और इसे आप कुकर में भी बना सकते हैं। इसे आप कुकर में डाल करके थोड़ा सा पानी डाल लीजिए और एक सीटी आने तक पका लीजिए, जिसे अच्छे से पक जाएगी और सॉफ्ट हो जाएगी। इसे ढक देंगे और पकने देंगे। तो ये देखिए, ये अच्छे से पक चुकी है। इसे मैंने बीच बीच में चेक कर लिया था और इस तरह से इसे पका लिया है। अब इसमें हम दूध डालेंगे। यहाँ पर मैंने 2 कटोरी दूध का इस्तेमाल किया है और ये लगभग 1/2 लीटर के करीब दूध है। अब इसमें हम चीनी डालेंगे। तो चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। मैंने यहाँ 1 कटोरी चीनी का इस्तेमाल किया है। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और चीनी घुलने तक इसे पका लेंगे। इसे हम ढक देंगे और अच्छे से पका लेंगे, जिससे कि चीनी भी अच्छे से घुल जाएगी और इसमें एक उबाल भी आ जाएगा। तो ये देखिए, इसमें एक उबाल आ गई है। तो अब इसमें हम डेसिकेटेड कोकोनट डालेंगे, यानी कि नारियल का बुरादा डालेंगे। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसे ना डालिए, इसके बिना भी ये बहुत ही अच्छी लगती है। अब इसी के साथ हम इसमें कुटी हुई इलायची डाल देंगे, जिससे इसका स्वाद और भी बढ़ जाएगा और ये बहुत ही स्वादिष्ट लगेगी। अब इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे ढक देंगे और पकने देंगे। थोड़ी देर बाद इसे हम चेक कर लेंगे। तो ये देखिए, काफ़ी अच्छे से पक गई है। अभी इसमें थोड़ा सा और पानी बचा है, तो इसे हम और पका लेंगे। अब इसमें हम 1 चम्मच के करीब घी डाल देंगे, जिससे कि इसका स्वाद और बढ़ जाएगा। आप इसे बिना घी के भी बना सकते हैं। इसे अच्छे से मिला लेंगे। इसी के साथ साथ मैं यहाँ पे डाल रही हूँ थोड़ा सा फूड कलर। इसे डालना बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो आप डालिए, नहीं है तो ना डालिए। इसके बिना भी ये बहुत ही अच्छे से बनती है। मैंने इसे सिर्फ कलर के लिए यूज़ किया है, ताकि ये दिखने में और भी सुंदर लगे। तो इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ी देर के लिए इसे ढक करके पका लेंगे। थोड़ी देर बाद इसे हम चेक कर लेंगे। तो ये देखिए, सारा पानी सूख चुका है और ये अच्छे से पक भी चुकी है। पपीते का हलवा बन करके तैयार है। ये देखिए, पूरी तरह से ये अच्छे से पक चुकी है। तो अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसे सर्व कर लेंगे। तो ये लीजिए, कच्चे पपीते के हलवा बन करके तैयार है।
तो दोस्तों ये रेसिपी अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करिए, कमेंट्स करिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर ज़रूर करिए। और मेरी इसी तरह की रेसिपीज देखने के लिए मेरे चैनल किचन किंग स्पेशल डिश को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को क्लिक कर लीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।